अरे राखी सावंत तगड़ी है। मेरे बाल अच्छा दिख रहा है क्या? वाह वाह, जाने मेरी जाने मन, जाने मेरी जाने मन, पूरा बचपन का प्यार, अच्छे से गा। जाने मेरी जाने 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 मन, मन, बचपन बचपन का का प्यार प्यार मेरा मोहब्बत भूल भूल नहीं। नहीं एक्चुअली जाने, एक आरती है, ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही आरती हम लोग गा रहे हैं। जाने जाने मेरी मेरी जाने जाने मन मन, बचपन। बचपन। हेलो के साथ सब लोग, फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं Q&A। तू ये इंट्रोडक्शन ऐसे करेगा तो हेलो दोस्तों गेमिंग जैसा। तो कैसे करूँ? हाय अमर मिला। हाय, आई एम मिथिलेश। हाय, मेरा नाम है मिथिलेश। हाय। अभी यस वी आर ए, मेरे को मुझे बहुत ऑकवर्ड है मुझे भी ऑकवर्ड हो रहा है। पर बट या हम दोनों भाई बहन नहीं नहीं है, नहीं है भाई है। बहन। ये देखो, नो रक्षाबंधन का जी राखी राखी तेरे हाथ में भी नहीं है ओनली ना। वाह सो एक्चुअली बहुत सारे सो एक्चुअली हमने मैंने सब सो तुम लोग को पूछा था कि क्वेश्चंस भेजो, क्योंकि 50,000 क्वेश्चंस आए, 50,000 से पता भी ज्यादा क्वेश्चंस हमें आए। और ये देखना, ये क्वेश्चन आया था, हाउ डू यू मेट अम्ब्रेला। मेरा नाम उर्मिला है। आप अम्ब्रेला से कैसे मिले? उर्मिला अम्ब्रेला। सो यू क्या हुआ था गाइस, बहुत बारिश हो रही थी और उस दिन मेरे पास छाता नहीं था, तो मैं छाते की दुकान में गया और वहां पे मैं अम्ब्रेला को मिला। मैं उसको जूनियर कॉलेज से जानती हूँ। 2013 जब हम दोनों का 10th पास हो गया था, कॉलेज का शॉर्ट में फर्स्ट डे था, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी थी, ये सेकंड बेंच पे बैठा था। मैं फर्स्ट बेंच के राइट कॉर्नर में बैठी थी, ये सेकंड बेंच के राइट कॉर्नर में बैठा था, और मेरी फ्रेंड बीच में बैठी थी, तो अरे इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। और मेरी फ्रेंड बीच में बैठी थी, तो उसने इंट्रोड्यूस किया कि ये है मिथिलेश। मैंने इसको देखा और फर्स्ट रिएक्शन में हंसी। ये मुझे देख के हंसी तभी, एंड हंसी मतलब मजाक वाला हंसी है, नॉट लाइक शर्मा गई वगैरह, ऐसे हाँ कुछ नहीं। वो वाला मैं मैंने नहीं। उसको पूछा कि क्यों, तो ये मेरे को बोली थी उस दिन कि मैं जोकर जैसे दिखता हूँ। तो फिर जोकर, ऑन एंड ऑफ बातें एज फ्रेंड्स वगैरह हम थे। हाँ एंड फिर उसके बाद आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड लकीली सम हाउ इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे एडमिशन सेम कॉलेज में हो गई। तो जब एडमिशन हो गई, उसके बाद भी फर्स्ट ईयर था, एंड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट भी ईयर में आई थिंक मैंने इसको आई डोंट नो कौन से मंथ में, पर देखो मैं खुश हो गई, पता है क्योंकि कॉलेज में सब लोग नए थे, कोई जान पहचान वाला नहीं था, और ऐसा था कि अरे ये तो अपने पहले वाले कॉलेज में था, तो बहुत खुश हो गई, ये कोई तो है, ऐसा हाँ। फीलिंग था। सो हमारी थोड़ी बहुत फिर उसके बात बाद हो, हमारी बात नहीं हुई। मुझे मुझे अभी भी बात नहीं करने को दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर ऐसे ही चला गया था, थोड़ी बहुत इधर उधर बात आई ऐसे हो। आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर के अराउंड मार्च के टाइम मेरे को चॉकलेट बनाने का उस तो शौक हुआ था, तब मैंने इसके लिए चॉकलेट्स बनाए थे, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, और वो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा लाइकिंग था मेरा इसके लिए, तब वो बनाए थे। मैं वैसे गाइस बताओ, सच्ची बताओ, कॉलेज का सबसे चार्मिंग बॉय मैं ही था उस टाइम पे। तब मैं एक्चुअली खुद के लिए चॉकलेट्स बना दी थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि ठीक है वनमो बकरा मिल गया है, इसको देती हूँ और पूछती हूँ कैसे बनाए। उसको लगा मैंने स्क्रैच से चॉकलेट बनाया है हाँ, ना। तो ये क्या करती थी, कैडबरी जैसा चॉकलेट होता है, उसको नहीं मेल्ट मेल्ट करके फिर बस उसको मेल्ट एक अलग शेप देने का, और बोलेगा अरे मैंने बनाया चॉकलेट। तो ऐसे थोड़ी बहुत हमारी बात होती थी तभी के टाइम पे। एंड देन आया फिर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज का। आया, मैं बस से जाती थी घर पे, तो मैं चल रही थी, इसने मुझे देखा, फिर एक्चुअली ये मेरे भाई से पबजी के बारे में तब बात कर हाँ, रहा इसके था। भाई के साथ अपन ने पहला सेटिंग लगाया भाई, पबजी हाँ पोकेमोन गो तभी बहुत फेमस था तब ये तो। बात करता था उसके साथ। हाँ, उसके बाद आया 20 जुलाई, 20-21 जुलाई कुछ, तो जब हम लोग सेम वे बस पकड़ने जा रहे थे। हाँ, तो मैंने बोल दिया कि उर्मिला चल आज चल के जाते हैं हाँ घर तक। नहीं घर तक नहीं, हाँ, तब कहीं तक तब था, तो हाँ पूरा स्टोरी बताएगी तो लोग पक जाएंगे। वो एक दिन हम लोग पूरा चल के गए एंड तक। और मुझे चलना बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, आई हाँ, हेट, मैं और थोड़े से चलेगी तो मेरे पैर दर्द हो रहा है। तो एक बार चलने के बाद मैंने 22 जुलाई को उर्मिला को वापस बोला कि उर्मिला चलना वापस चल के जाते, क्योंकि मजा आया था और उस दिन बारिश भी हो रही थी। हाँ सो बारिश मतलब ऑब्वियसली मैंने तो मेरे पास छाता नहीं था। हाँ हाँ, इस मेरे बार पास छाता छाता नहीं नहीं था, था। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे। और फिर आई डोंट नो क्या हुआ मुझे, मतलब ऐसे अंदर से जस्ट फीलिंग आ गई कि अभी बोलना चाहिए यार, मतलब कुछ मैंने डिसाइड भी नहीं किया था। और इसके पहले बाय द वे गाइस, मैंने कभी किसी लड़की को कुछ बोला नहीं था, तो मेरे को मालूम नहीं कि कैसे बोलते, क्या बोलते हैं, क्या रिएक्शन होता है, झापड़ पड़ेगा अगर, कुछ नहीं मालूम। तो फिर भी मैंने मतलब एकदम से हिम्मत की, और मैं सच्ची बताऊँ ऐसे अंदर से एकदम ऐसे छाती ना गर्म हो जाता है अंदर से, एंड ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मोमेंट में चलते चलते बोल दिया कि
कि हाँ. मराठी में बोला मैंने हाँ. कि मला तू खूप आवडतेस, विच मीन्स मुझे तू बहुत पसंद है. मैंने और इसको मेरे को इतनी खुशी हुई है गार्डन डेल्लियो, इसको खुशी हुई है सुनने के बाद, पर मेरी वाट लग गई थी लिटरल सेंस में, बोले ना वाट. और मैं वो जगह पे ऐसे जुब 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 करके घूम रहा था उधर उधर, क्योंकि मेरे को समझ वो फीलिंग नहीं समझ में आ रही थी. मैंने क्या बोल दिया, ये अरीला अभी क्या होगा, अभी ये भड़केगी क्या. और मैंने कुछ भी नहीं बोला. हाँ, ये कुछ नहीं बोला. नेक्स्ट 5 मिनट तक फुल साइलेंस. मैं उसको देख रही हूँ, ये उधर उधर चल रहा है. हाँ, क्योंकि आज उर्मिला उर्मिला आई एम सॉरी, उर्मिला ये मैंने क्या बोल दिया, उर्मिला आई एम सॉरी, रिमेम्बर. नो नो, या ही वाज सॉरी. एंड वो मुझसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैं मेरे दिमाग में थी कि मेरे को तो सिर्फ जानना था कि उसे प्यार करते हैं, व्हाटएवर, लाइक करता है नहीं करता है. एंड देन चुप थी और मुझे बोलता है कि कुछ बोल. तो मैंने बोला कि यस, क्या मैंने बोला, मुझे याद नहीं है. मैंने मतलब इसने मुझे बेसिकली बोला कि तूने मुझे मैंने वो नहीं बोला नहीं हाँ मैंने वो बोला सॉरी सॉरी. क्या कंफ्यूज लड़की है यार. तो बेसिकली उसने मुझे बोला कि यू कन्फेस बिफोर आई कुड, जिसका मीनिंग ये है कि तूने बताया मुझसे पहले. सच्ची बोलू तो नेक्स्ट सेकेंड मेरी लाइफ चेंज हुई. ऐसे लगने लगा कि यार देयर इज समवन हु लव्स मी एंड ऑल. फिर हम चल के गए आगे. एंड देन आगे बहुत आगे जाने के बाद इसने शाहरुख का डायलॉग बोला, मेरे को और ज़्यादा रोमांटिक फील हुआ, एक्चुअली रोमांटिक फील हुआ. एंड ये बस स्टॉप पे छोड़ने आया मुझे. एंड द बाय मेरे को बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था. नेक्स्ट डे सैटरडे था, वो भी मेरे को स्टोरी बोलने दो, मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बुलाया था, ये मिलने आने वाला था गधा. मेरे को इतना टाइम रुकाया, मेरे को लगा फर्स्ट टाइम होगा, इतना रुका, उसको फोन नहीं लग रहा था. एंड मेरे को लोग लेट आए बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत लेट आए, बट कैडबरी सिल्क लग गया लाइक ठीक है चल जाएगा. बट उसके बाद गाइज वो कभी भी टाइम पे नहीं आया है किधर भी, और उसके वजह से हमारे इतने झगड़े हो चुके हैं. ओ माय गॉड, अगर ये क्वेश्चन होगा, ही इज नॉट एट ऑल फॉर मी. एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा था कि झगड़े होते हैं क्या हम दोनों में, बहुत होते हैं. ये ज्यादा झगड़ती है, ये ज्यादा नाटकी करता रहता है. मेड एल पी एन कंपनी. नो वन सेकंड पी एन कंपनी. ये इसका हमेशा का होता है, सुसु करने का, इसमें इसका आधा जिंदगी निकल जाता है. मैं पता रहूंगा कभी वो गई है तो. ये ज्यादा झगड़ती है, मैं बहुत साधा साधा डोसा मालूम है तुम लोगों में वैसा हो, और वो मसाला डोसा जैसी है. हो गया सुसु. कितना कितना लीटर हुआ, कितना लीटर. मिथपैड भाई, व्हेन आर यू इंक्रीजिंग उर्मिला सैलरी, एंड उर्मिला व्हेन आर यू गोइंग टू डू द वर्क व्हिच मिथपैड्स गिव्स यू. एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डजंट गिव मी अ सैलरी. मैं देता हूँ हर महीना 5 तारीख को तेरे अकाउंट में पैसा आता है. कितना वो नहीं बता सकते. कितना झूठ. वो मुझे सैलरी नहीं. तू दूसरी चीज बताना, दूसरी चीज बताना उर्मिला, तू मिथपैड ने दिया हुआ काम कभी कंप्लीट करेगी? काम तो करती नहीं है. हर दिन क्या काम करती है, हर दिन बता. रोज आने का, रोज हाँ कॉफी बनाते बस, रोज आने का, फिर दिन भर इंस्टाग्राम पे बस रील देखती रहती है. उर्मिला एक क्वेश्चन, योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर. मैं सच्ची बोलूं, व्हाट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन? आप हंसोगे. सीरियसली मैंने जब इसके बारे में सोचा था, वाज द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड, जब हमारा क्लासेस खत्म होने वाले थे, तब मैंने सोचा था कि दिस गाय कैन बी अ मैरिज मटेरियल टाइप. मतलब वो बंदा है जिसके साथ लाइक शादी कर सकते हैं. साधा था तू, साधा डोसा था. मैं वही बोला लोगों को अभी कि मैं साधा डोसा और तू मसाला डोसा है. योर बोथ हाइट एंड डिफरेंस इन इट. ओह, मेरी हाइट है 6'4", मेरी 5'4" है. ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बटली है मेरे सामने. नहीं, तू बहुत ज्यादा टॉल है, तू बटली है. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर नोइंग अबाउट योर रिलेशनशिप? ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि तुम लोग को भी टेंशन है ना, तुम लोग जब बताओगे खुद के बारे में तो. हाँ, एक तो पहले हमने इसकी मम्मी को बताया था 2019 में. ओ या, आस्वाद होटल में मैं लेके गया था. अरे मेरे को बता देना पूरा स्टोरी. 2019 में हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद ही वाज लाइक कि बताना पड़ेगा मम्मी को, तो इसके मम्मी के साथ चालू करते है, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो उसकी मम्मी थोड़ा कन्विंस कर लेगी मेरी मम्मी को. तो दिवाली था, फर्स्ट डे था, शुभ मुहूर्त था, तो हमने सोचा कि बता देते हैं. एक आस्वाद करके एक मस्त होटल है, एक रेस्टोरेंट है जिसमें मराठी वगैरह सब मस्त मस्त मिलता है, मराठी खाना बहुत अच्छा मिलता है. एक रेस्टोरेंट है जिसमें मराठी खाना बहुत अच्छा मिलता है. मैं जाके बैठी थी, ये लेट था. मैं लेट नहीं था यार, लेट था उसी दिन भी लेट था. वो बिकॉज़ आई वाज गेटिंग मम्मी ला पण आलो. और हां, मम्मी को झूठ बोल के लेके आ रहा था. क्या झूठ बोला था मम्मी को तूने? वो याद नहीं आ रहा. हां, मैं बहुत एंग्शियस थी कि मैं कैसे बात करेगी एंड ऑल ऑफ दैट. और ये क्या है? और मैं बैठी थी, ये मम्मी के साथ एंटर कर रहा है और ये मम्मी को बोल रहा है बैठ जिधर मैं बैठी हूं. मम्मा वाज कंफ्यूज्ड, इधर कैसे बैठने का, कोई और बैठा है.
देन आई थिंक क्या हुआ था फिर आगे? फिर हाँ, फिर मैंने बता दिया मम्मी, एंड देन आई थिंक मम्मी वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत शर्मा रही थी, बहुत स्वीट। हाँ तो हो गया मम्मी का, हाँ, अभी तेरी मम्मी के बारे में बोल, वो तू बताएगा। हाँ तो मेरे मम्मी को बताने के बाद एक दो साल बाद हमने इसके मम्मी तब मेरी मम्मी ने मतलब बताया और मम्मी ने ठीक है एंड ऐसा ऐसा बोला और फिर रात को मम्मा फुल इंटरोगेशन चालू कर दिया, कौन है वो लड़का? सब ऐसे नहीं किया, अगर तेरी मम्मी देख रहे मेरे ये हो जाएगी। सब क्वेश्चन पूछ रही थी, फिर तुम लोग कब मिले एंड ऑल दैट। मेरे को वो ऑकवर्ड हो रहा था मम्मी को बताने के लिए। मम्मी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड वो एक ही दिन नहीं था, मम्मा ने 3 months 6 months के कोर्स टाइम पे क्वेश्चंस। इसके मम्मी का बस एक प्रॉब्लम था कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है और ये बुटकी है, तो जोड़ी जमेगी क्या? नहीं वो नहीं था, बट थोड़ा कि हम दोनों दिखेंगे कैसे, अच्छे दिखेंगे मम्मा। मैं तो अच्छा ही दिखता हूँ। अभी मम्मी के पास ऑप्शन ही नहीं है मम्मा, लाइक ही मेरा पीरा। ऐसे तेरी मम्मी ने कभी किया नहीं है। उगाच माय क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट मराठी महाराष्ट्रियन स्वीट डिश? बाय द वे माइनस पुरणपोळी एंड मोदक, लव यू। मेरा मोदक है, मेरा पुरणपोळी एक्चुअली, एक्चुअली दैट्स द ट्रुथ। क्योंकि मेरे को वो पुरणपोळी जिसमें मस्त ऐसा घी डाला हुआ होता है ना, मेरे को बहुत पसंद है। और मोदक के गरम ऐसा खोल के उसके अंदर जो घी होता है। तो शादी कब है? धक ऐसी किसी भी डी लाइफ थोड़ी ना जीना चाहता हूँ। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। मैं क्या आगे क्या उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं उड़ना चाहता हूँ नैना। उर्मिला डिस्क्राइब ईच अदर इन वन वर्ड और सेंटेंस, पकाओ। सुंदर। मैं सुंदर हूँ मैं? आपको खाना बनाना आता है क्या? पोहे बनाया है मैंने, चपाती गोल बनाती हूँ मैं। चपाती गोल बनाती है हाँ। उर्मिला ने आपके चैनल को कब सब्सक्राइब किया? उर्मिला मेरी सेकंड सब्सक्राइबर थी, लाइक मिथपैट ये चैनल हम दोनों ने एक साथ खोला था। 0 सब्सक्राइबर से लेके 1000 सब्सक्राइबर्स, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, 1 करोड़ सब्सक्राइबर, सब हमने एक साथ देखा है। गाइस इसके वीडियोस चलने के लिए मैं मेरे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती थी। उसको ऐसे कुछ नहीं तभी लगता था कि यार मैं भेजूंगी, वो रिप्लाई नहीं कर रहे है वगैरह, तब फिर भी भेजती थी। हाँ, मेरे लिए इतना ही था कि इसको हैप्पीनेस मिले लाइफ में और इसको हैप्पी देखे मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है। आप दोनों के एज में क्या फर्क है? क्या लगता हूँ मैं कितने साल का लगता हूँ? ये मुझसे 6 महीने बड़ी है, दीदी है मेरी। Guys, we are not brother and sisters. हाँ, please अभी बंद कर दो यार वो brother sister का। You know हमारे friends सब लोग रास्ते पे भी लोग मिलते हैं मेरे को वही बोलते हैं मिथपैड भाई आपकी बहन नहीं है क्या? अरे क्या कौन क्या? इसका है, इसका twin brother है, मेरा भाई है, मैं जो इसके ऐसा ही दिखता है। Who is your best friend? दोस्तों का कैसे होता है कि आपको जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग दोस्त मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आएंगे आपके जिंदगी में। उनमें से जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बात करते हो वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स आप बोलते हो उनको, जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम एंजॉय करते हो वो बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हो। बट कैसे लाइक जो मैंने देखा है कि बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं। वेरी ट्रू। हां मेरा 10th स्टैंडर्ड में कोई और बेस्ट फ्रेंड थी, 11th में कोई और थी, बट अभी ऐसे हो गया कि ये अकेली है जो हमेशा के लिए है बेस्ट फ्रेंड। मोर देन एनीथिंग वी आर रियली गुड फ्रेंड्स। ये मेरी सब है, ये मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बहन है, सब कुछ। बहन मत बोल। और मेरा का फेवरेट गेम कौन सा है? मेरे ख्यालों के साथ खेलती रहती है। मारियो या स्नेक वाला या सोना? सोना, सोना है इसका फेवरेट गेम। कुछ काम नहीं करना भी मेरा फेवरेट गेम है। आपको मेरे बारे में क्या पसंद और क्या नहीं? मेरे को 100 चीजें रहेंगी पसंद नहीं। ये टाइम पे नहीं आता, ये बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कचरा करता रहता है बहुत, इसको टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं है। उसको 12 बजे बोलेगा तो ये आई कैन गारंटी 1 बजे आएगा। अभी तेरे को क्या पसंद है मेरे बारे में? ये बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत लविंग है। मैं बहुत लकी हूँ, ये जेन्युइनली बोल रही हूँ। मैं उसको बोली भी थी मैंने हीरे की पहचान तब ही कर ली थी, तूने गधे की पहचान। मुझे बेसिकली आई थिंक इसके बारे में सब पसंद है, A to Z। किचकिच करती है वो अलग है, बट बाकी सब पसंद है। क्या आप उर्मिला की मिमिक्री कर सकते हो? आती तेरे को? ओह माय गॉड, सच्ची में? मैं पता भी नहीं क्या ऐसे ही कुछ तो एकदम से कर कुछ तो बात। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है सच्ची में? No, God, no. Seriously. Oh my God. Okay, so guys, I think आज के लिए बस हो गया। हाँ, I think तुम लोगों को सब पता चलेगा होगा हमारे लाइफ के बारे में। इसके बाद कभी भी कमेंट में नहीं लिखने का, भाई बहन सिस्टर ब्रदर उधर आके मुक्का मारेंगे। एक उर्मिला के लिए एक लाइक हो जाए।
लाइक कभी मांग ले इस वीडियो में भी। अरे सर आपका एंड में लाइक का लाइन नहीं बोला तो फिर ऐसा अजीब लगता मैं है। मैं करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हम नहीं तू मिलेगा, तू भी आ सकती है, चलता है मतलब आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।